टीकमगढ़ जिले के पलेरा शासकीय महाविद्यालय में एडमिशन से वंचित छात्रों ने तहसीलदार कमलेश कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने बताया कि उनका नाम चौथी सूची में आ गया था, लेकिन जानकारी न होने की वजह से एडमिशन फीस जमा नहीं करवा पाए। इसकी वजह से कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया। छात्रों ने बताया कि कई बार कॉलेज में जानकारी ली, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जानकारी नहीं दी, ना ही मोबाइल पर मैसेज भेजे। जब इस संबंध में तहसीलदार कमलेश कुशवाहा से बात की गई तो उनका कहना था कि कलेक्टर से बात करके कुछ सीटें बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। अंकित यादव बनने इसलिए दिया क्योंकि हमारा नाम नहीं हुआ, आया है लिस्ट में। एडमिशन नहीं हुआ? हाँ हाँ। कितने बच्चे अभी देगा? 50-60 बच्चे। क्या बोला तहसीलदार सर ने? क्या बोला? बोल रहे थे हो जाएगा। नितिन यादव। कौन से गाँव? आलमपुरा। अभी आप लोगों ने किस चीज को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया? सीट बढ़वाने के लिए। आपका नाम नहीं आया था? नहीं आया था नाम। क्या हो गया था, किस वजह से नाम? ना ही मैसेज आया ना ही बताया उन लोगों ने कुछ, और दूसरे दिन गए तो वो बोले कि आपका नहीं होगा, आपका नाम हट गया। अभी कितने लगभग बच्चे बचे? 50 बच्चे बचे लगभग। 50 बच्चे अभी कॉलेज में एडमिशन? हाँ हाँ बचे हैं 50 बच्चे बचे। क्या बोला तहसीलदार साहब ने? क्या बोला? अभी कह रहे कि करवाएं दे रहे। कौन से गांव की? भूरा की। जो अभी आप लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया किस संबंध में दिया? इसलिए दिया कि फीस तो लिस्ट में नाम तो आ गया था, पर वहां पर गए तो का नाम फीस नहीं कटी। क्यों, क्या वजह? लेट हो गए। जानकारी नहीं लगी आपको फीस के बारे में? नहीं, ईमेल आया, मैसेज आया था। कोई नहीं आया। कॉलेज में जानकारी नहीं की थी आपने? कोई नहीं, बता रहे थे। अब नहीं, कॉलेज में जानकारी नहीं की थी आपने? नहीं की। कॉलेज में जानकारी नहीं की थी आपने? हाँ बोली थी, जानकारी से बोल रहे थे कि नहीं होगी, अब तो फीस हो गई, डेट निकल गई, आप लोग टाइम निकल गया। कितने बच्चे बचे अभी लगभग? लगभग हो गई 31 बचे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।